जय हिंद साथियों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। साथियों आज हम बात करेंगे सिलोगिज्म यानी न्याय निगमन की बात करने वाले हैं। ध्यान रखिए, न्याय निगमन में स्टेटमेंट और कंक्लूजन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन आज के पढ़ने के बाद शायद आपको प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू से अंत तक जरूर देखिए इस सेशन को और फटाफट इसको शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। देखो आप देखिए, आप देखो यहां पर सबसे पहले समझें सामान्य अध्ययन। सबसे पहले यह समझ लो, सामान्य अध्ययन जो है वो आपका होता है सुबह 10 बजे, राइट? कितने बजे होता है? तो 10 बजे सामान्य अध्ययन होता है, ठीक है? और रीजनिंग की जो क्लास है वो होती है 12 बजे। कब होती है? दोपहर को 12 बजे। मैथ्स की क्लास होती है वो होती है शाम को, आपकी शाम को 7 बजे, और हिंदी होती है शाम को 8 बजे, राइट? और ये कुछ कंबोज ऑफर है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। कुछ बेसिक बात समझ लेते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे, राइट? कुछ बेसिक बात समझते हैं फिर क्वेश्चन पर आते हैं। आप समझिए इसमें बेसिक बात क्या समझना है हमको। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं सिलोगिज्म, राइट? यानी न्याय निगमन की। क्या है? न्याय निगमन। न्याय निगमन देखो आप, अगर आप समझो इसमें, तो मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया कि इसके अंदर क्या होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं और कंक्लूजन होते हैं। क्या होंगे? स्टेटमेंट होंगे और कंक्लूजन, यानी कथन होगा। क्या होगा? कथन होगा और निष्कर्ष होगा। क्या होगा? कथन होगा और निष्कर्ष होगा। कथन होगा और निष्कर्ष होगा, राइट? कथन होगा और निष्कर्ष होगा। तो आप देखोगे यहां पर कथन और निष्कर्ष को किस तरीके से करते हैं। कथन कैसे बनता है पहले यह समझ लो आप, फिर निष्कर्ष उसी से निकल के आएगा, फिर हम उस पर बात कर लेंगे, राइट? तो आप देखो, मैंने बात किया कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन, तो आप ध्यान रखो पहले कि स्टेटमेंट किससे किससे बनता है और इसको सॉल्व करने का मेथड क्या। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि हम लोग वेन डायग्राम मेथड से करने वाले। तो स्टेटमेंट इन, ध्यान रखिए ये 4 वर्डों से हम बना रहे होंगे, 4 वर्डों से। तो इनका आप फटाफट केवल ये पहले सीख लो कि इनके जो है वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ होते हैं, राइट? तो आप देखो जैसे ऑल है, ऑल मतलब है सभी। ऑल मतलब क्या है? सभी। जब सभी से रिलेटेड आएगा तो आप वेन डायग्राम जो ड्रॉ करोगे, ध्यान रखिए वेन डायग्राम आप ड्रॉ करोगे, ऑल का वेन डायग्राम ऐसा बनेगा आपका, कैसा? कुछ इस तरीके सा, राइट? ये देखो, ये हम पहले की बात कर रहे थे। किसकी? पहले वाले की। पहला हम ऑल लेंगे। दूसरा ध्यान रखिए सम से रिलेटेड अगर आएगा, किससे रिलेटेड? सम से रिलेटेड आएगा। सम मतलब है कुछ, ठीक है? कुछ पर अगर हम कथन बनाएंगे तो उसका जो वेन डायग्राम ड्रॉ होगा वो, ध्यान रखिए वो कैसा ड्रॉ होगा, तो हम इस तरीके का वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, राइट? इस तरीके का वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हम बहुत डिटेल में तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो हम बेसिक यहां पर समझ ही लेंगे। देखो तीसरा है नो। क्या है? नो। अब नो मतलब है कोई नहीं, राइट? कोई नहीं, कोई नहीं, राइट? कोई नहीं। तो इसका जो हम बनाएंगे वेन डायग्राम, इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे ए और बी। मान लो ए और बी हैं स्टेटमेंट के अंदर, तो उनको अलग रखेंगे, राइट? बिल्कुल अलग अलग बनाएंगे। कोई, मान लो ये ए है और ये बी है, तो कोई ए भी नहीं है। इसके बीच में एक लाइन भी मैं बना दे रहा हूं, राइट? और उसको क्रॉस कर दे रहा हूं, इससे पता चल रहा है कि कोई ए भी नहीं है, राइट? अब जरा देखो यहां पर कि लास्ट एक और आपको समझना है, वो है सम नॉट। क्या है? सम नॉट, ठीक है? और सम नॉट का मतलब आप ध्यान रखिएगा, सम नॉट का जो वेन डायग्राम ड्रॉ होगा वो होगा कुछ इस तरीके से। अब समझ लो कि मान लो ये ए है और ये बी है, तो यहां पर यह दिखाना है कि कुछ ए बी नहीं है। वेन डायग्राम बिल्कुल फिक्स है, ऐसे ही करना है। अब इसमें भी मैं बना देता हूं, मान लो ए है और बी है, तो सभी ए क्या है? बी है। अब देखो यहां पर ये ए है और ये बी है, तो कुछ ए बी है, ये बनाने पर थोड़ा इजी हो जाएगा। यहां पर ए है और यहां बी है, तो कोई ए बी नहीं है। क्या है? कोई ए बी नहीं है। इसी को हम ये लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी को मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। ये जो हमने बनाया है, ये बनाया है, ये बनाया है सभी ए बी हैं,
ये हमने क्या बनाया है, सभी ए बी हैं। अगर सभी ए बी पूछेगा तो वेन डायग्राम ऐसा ड्रॉ करना है। देखो ऑल है ना, यहां पर हमने सभी यूज किया है, यानी ऑल ए आर बी। दूसरा देखो ये सम का है, तो ये बनेगा कुछ ए बी है। क्या बनाया हमने, कुछ ए बी है, यानी सम। देखो यहां पर हमने कुछ का यूज किया है, यहां पर कुछ ए बी है, तो इसका वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। और यहां पर जो दिया गया है, यहां पर है कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, राइट। कोई देखो आप, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, यानी नो, देखो नो ए इज बी, तो इसका वेन डायग्राम ये बनाओगे आप, ठीक है। लास्ट वाला कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, यानी सम नॉट। सम नॉट का क्या मतलब है, कुछ नहीं, बीच में और भी रहता है इसलिए मैंने लिखा नहीं था। तो ध्यान रखिए ये चार वेन डायग्राम हमको पता होना चाहिए, कितने, ये चार पता होना चाहिए कि अगर ऑल से रिलेटेड आएगा तो हम ऐसा वेन डायग्राम बनाएंगे, सम से रिलेटेड आएगा तो हम ऐसा बनाएंगे, नो से रिलेटेड आएगा तो हम ऐसा बनाएंगे, ये वाला नो वाला है, सम नॉट से रिलेटेड आएगा तो ऐसा बनाएंगे। ये चार तो आपको पता ही होना चाहिए। इसके अलावा भी वेन डायग्राम बनते हैं, लेकिन इसके अलावा अभी हम बात नहीं करने वाले हैं। बाकी हम क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम क्वेश्चन में चीजें सीखते रहेंगे कि किस तरीके से वेन डायग्राम और ड्रॉ होते हैं, राइट। तो देखो हम पहले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, हम किसकी तरफ आ गए, पहले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी ब्रेड रोटियां हैं। क्या कह रहा है, सभी ब्रेड रोटियां हैं। अब यहां पर समझिएगा कि भाई सभी ब्रेड रोटियां कैसे कंक्लूड करेंगे, हम क्वेश्चन वाइज सीखते रहेंगे, समझिएगा। अब यहां पर कौन सा है, ये सभी वाला है, कौन सा है, तो सभी वाला है। अब ध्यान रखना, अगर सभी वाला है तो सभी ब्रेड रोटियां हैं, तो हमें क्या करना है, पहले ब्रेड बना लेना है। क्या बनाना है, ब्रेड, ये ब्रेड हो गया। और सभी ब्रेड रोटियां हैं तो हमने ब्रेड को किसके अंदर बनाना है, रोटी के अंदर बनाना है, ठीक है, किसके अंदर, रोटी के अंदर। तो हमने सभी ब्रेड रोटियां हैं ऐसा हमने बना लिया, राइट। अब इसी में कथन और कह रहा है, देखो ध्यान रखना, कथन का हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कथन का हम वेन आरेख हम कथन का ही बनाते हैं, फिर उससे हम कंक्लूड करेंगे, फिर उससे कंक्लूड करेंगे। देखो आप, फिर कह रहा कि कुछ ब्रेड केक है। अच्छा ब्रेड कहां है, ये है ब्रेड, ये है, तो कुछ ब्रेड का पार्ट क्या हो जाएगा, केक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केक। साथ में आप सीखते जाओगे कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा नहीं बन सकता है क्या, ये मान लो ब्रेड हो गया और ये ब्रेड रोटी हो गई और कुछ ब्रेड केक है, तो क्या ऐसे नहीं बना सकते, ब्रेड केक है तो ऐसा आप नहीं बना सकते। ध्यान रखना क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि ये पूरा पूरा रोटी के अंदर आ जाएगा। कंक्लूड आप ऐसे करोगे, ध्यान रखना ये पूरा पूरा रोटी के अंदर आ जा रहा है, जबकि स्टेटमेंट ऐसा नहीं कर रहा है, कह रहा है। फिर आप कहोगे कि सर रोटी का तो कुछ पार्ट केक में आ ही जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा कि अगर ब्रेड रोटी के अंदर है तो ब्रेड का जब कुछ पार्ट केक में आएगा तो केक, ब्रेड रोटी का कुछ पार्ट तो केक में आना ही है, ये तय है। इसी पिक्चर को अगर हम थोड़ा और क्लियर बनाएं, ध्यान रखिएगा हम ऐसे बना लें तो आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये मान लो ब्रेड हो गया और ये रोटी हो गया, ये जो बिगिनर है मैं उनके लिए बात कर रहा हूं, ध्यान रखना ये केक हो गया। अब आपको ये पिक्चर ज्यादा अच्छी लग रही होगी, राइट, क्योंकि देखो सभी ब्रेड क्या है, रोटी है, और कुछ ब्रेड क्या है, देख लो केक है, कुछ ब्रेड क्या है, केक है। तो आप ध्यान रखना ये पिक्चर सेम है, ऐसी पिक्चर तो आपको नहीं बनानी है, दोनों पिक्चर सेम है, दोनों में से जो अच्छी लगे वो बना लो आप, ठीक है। अब ये अच्छी लग रही है तो यही बना लो आप, ठीक है। चलो भाई, तो ये हमने बना लिया है। अब ध्यान रखो ये हमने बना लिया, इस पर हम कंक्लूजन करेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना कंक्लूजन इसमें से 100% निकल के आना चाहिए। कितना, 100% निकल के आना चाहिए। कैसे, यहां पर कह रहा है कि कुछ रोटियां केक हैं, कुछ रोटियां क्या है, केक हैं। क्या आपको दिख रहा है कि कुछ रोटियां केक हैं,
बताओ भाई क्या आपको दिख रहा है कि कुछ रोटियां केक है, तो आपने तो बनाया था कुछ ब्रेड केक है, और पूरा पूरा ब्रेड किसके अंदर है, रोटी के अंदर है, तो कुछ रोटी भी केक हो जाएगी। मतलब ये कंक्लूजन क्या है, सही है, कंक्लूजन क्या है, सही है। अब ऐसे जरा समझो, आप समझो कि जो ब्रेड है वो किसका पार्ट है, रोटी का पार्ट है, और अगर अगर ब्रेड जो है केक में जाएगा तो रोटी भी केक में जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब है कि कुछ रोटी भी केक है, ये बात इसमें हिडन थी, ये कंक्लूजन है, ये बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि कुछ केक ब्रेड है, क्या कह रहा है, कुछ केक ब्रेड है। भाई क्या कुछ केक ब्रेड है, जब कुछ ब्रेड केक है तो कुछ केक भी ब्रेड होंगे, जो दिख रहा है वो सही है, जो दिख रहा है वो सही है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर दोनों निष्कर्ष सत्य है, राइट, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेगा। अब दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेगा तो दोनों वाला कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है। यहां पर कह रहा है कि एक और दो दोनों अनुसरण करता है, राइट, एक और दो दोनों अनुसरण करता है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो आप यहां पर जो कह रहा है कि सबसे पहले कि कथन एक, कथन एक में कह रहा है कि कुछ बोर्ड रैप है, तो हम बना लेते हैं कुछ वाला, आपने वेन डायग्राम सीखा ही था, मैं एक बार फिर से बता देता हूं जो लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे। देखो हमने हमने बताया था कि ऑल के लिए जब वेन डायग्राम बनाओगे तो वह ऐसे बनाओगे, सम के लिए बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ऐसे बनाना है, नो के लिए बनाओगे तो कैसे बनाना भाई, अलग अलग करके ऐसे बनाना है, सम नॉट के लिए बनाना है तो कैसे बनाओगे, कुछ इस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो ये पिक्चर आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये ऑल का मतलब होता है सभी, सम का मतलब होता है कुछ, ये देखो ये होता है सभी, ये क्या है, ये सभी है, ठीक है, और ये है कुछ, और ये है कोई नहीं, क्या है, कोई नहीं, ये है कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया था इसके पहले भी, फिर मैं बता रहा हूं बार बार, अब ध्यान रखना। यहां पर कह रहा है कि कुछ बोर्ड क्या है, कुछ बोर्ड रैप है, तो कुछ वाला वेन डायग्राम हमको बनाना है, ये हो गया कुछ, और ये है क्या, ये है बोर्ड, कुछ बोर्ड क्या है तो रैप है, तो हमने बना लिया कुछ बोर्ड क्या है, रैप है, कुछ बोर्ड रैप है, ठीक है। आगे कह रहा है कि सभी बोर्ड पेपर हैं, सभी बोर्ड क्या है, पेपर है, तो सभी बोर्ड को हम किसके अंदर रखेंगे, पेपर के अंदर रखेंगे, सभी बोर्ड पेपर हैं, क्या है भाई, पेपर, तो हमने बना लिया सभी बोर्ड पेपर हैं, देखो बिल्कुल बनाया है, सभी बोर्ड पेपर हैं। अब जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है समझिएगा, जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है, निष्कर्ष में कह रहा है कि सभी रैप पेपर है, सभी रैप पेपर है। भाई एक बात बताओ, यहां पर कुछ रैप आपको बोर्ड दिख रहा है, और कुछ रैप जो बोर्ड दिख रहा है वही रैप आपको पेपर भी दिख रहा है, तो हमको ये तो नहीं दिख रहा है कि सभी रैप पेपर है, जब नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, सभी रैप पेपर है ये आंसर नहीं है। आगे कह रहा है कि कुछ पेपर रैप है, क्या कह रहा है, कुछ पेपर रैप है, तो कुछ पेपर क्या है, रैप है, तो ये बात तो सत्य है, ये बात क्या है, सत्य है कि कुछ पेपर क्या है, रैप है, आपको दिख रहा है कि कुछ पेपर रैप है, राइट। तो यहां पर दूसरा निष्कर्ष सत्य है, और दूसरा निष्कर्ष सत्य है तो आप यहां पर देखोगे दूसरा अनुसरण करता है, यानी यहां पर क्या बनेगा, दूसरा अनुसरण करता है। चलो भाई देखिए, हमने बहुत डिटेल में यहां पर स्टार्टिंग में आपको नहीं बताया है, हम लोग ध्यान रखिए कि थोड़े से ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर। तो यहां पर जो दिया है कथन कह रहा है कि कुछ पेंसिल छड़ है, तो कुछ वाला वेन डायग्राम ऐसे बना लो, और ये क्या है, ये पेंसिल है, कुछ पेंसिल क्या है, कुछ पेंसिल छड़ है, तो हमने बना लिया कुछ पेंसिल छड़ है, ठीक है, क्या है, छड़। फिर कह रहा है कि सभी छड़े पेड़ है, अब सभी छड़ को हमें क्या बनाना है, पेड़ बनाना है, सभी छड़ को हमने बना लिया पेड़, क्या बना लिया, पेड़ बना लिया, ठीक है। अब आगे देखो, यही अपना क्या था, स्टेटमेंट है, इसका हमने वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब कंक्लूजन में कह रहा है, निष्कर्ष में कह रहा है कि सभी छड़े पेंसिलें हैं, सभी छड़े क्या हैं, पेंसिलें हैं,
तो क्या सभी छड़ पेंसिल दिख रहा है? नहीं भाई, सभी छड़ पेंसिल नहीं दिख रहा है, कुछ छड़ पेंसिल दिख रहा है, क्योंकि कुछ पेंसिल छड़ है तो कुछ छड़ भी पेंसिल होगा। कुछ पेंसिल देखो पेड़ दिख रहा है तो कुछ पेड़ भी पेंसिल होगा। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि सभी छड़े पेंसिल है तो सभी छड़े पेंसिल है नहीं। फिर कह रहा कि सभी पेंसिलें पेड़ हैं, सभी पेंसिलें पेड़ हैं, तो भाई सभी पेंसिल पेड़ है ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो यहां पर जो आंसर बनेगा, ध्यान रखिएगा, यहां पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा नीदर नॉर, ना तो पहला ना तो दूसरा निष्कर्ष पालन करता है, ना तो पहला ना तो दूसरा निष्कर्ष पालन करता है। यहां पर उत्तर बनेगा विकल्प चार, राइट, क्या बनेगा? ऑप्शन फोर। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ। कह रहा है कि सभी इतिहासकार गायक हैं, सभी इतिहासकार क्या हैं? गायक हैं। देखो ये क्वेश्चन तो अलग दिख रहा है, ये क्वेश्चन हम इसके माध्यम से करके देख लेते हैं। कह रहा है सभी इतिहासकार गायक हैं, अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो सभी इतिहासकार, सभी इतिहासकार क्या है भाई? सभी इतिहासकार क्या है, इसको ऐसे कर लो, सभी इतिहासकार गायक हैं। क्या हैं? गायक हैं। फिर कह रहे सभी गायक संगीतकार हैं, सभी गायक क्या हैं? संगीतकार हैं, संगीतकार हैं। ठीक है भाई। अब कह रहा कोई अभिनेता संगीतकार नहीं है, कोई अभिनेता क्या नहीं है? संगीतकार, ये है ना संगीतकार, तो यहां से निगेटिव जाएगा, कहां तक जाएगा? अभिनेता तक जाएगा। सही है, सही है, कोई संगीतकार अभिनेता नहीं है या कोई अभिनेता संगीतकार नहीं है, निगेटिव है पूरा, हमने बना लिया। अब ध्यान रखना संगीतकार की निगेटिव है किससे? अभिनेता से, मतलब मान लो संगीतकार की दुश्मनी हो गई किससे? अभिनेता से। अगर अभिनेता की दुश्मनी संगीतकार से है तो संगीतकार के अंदर जितने लोग होंगे उन सब की दुश्मनी किससे होगी? अभिनेता से होगी। ये बात अपने मन में एकदम बैठा लो आप कि अभिनेता के दुश्मन कौन है? तो संगीतकार है, तो संगीतकार के अंदर जितने होंगे वो किसके दुश्मन होंगे? वो अभिनेता के होंगे, राइट। मतलब इतिहासकार भी अभिनेता का दुश्मन है, गायक भी अभिनेता का दुश्मन है। मतलब अगर पूछ ले कोई गायक अभिनेता नहीं है तो बात सही है, कोई इतिहासकार अभिनेता नहीं है तो भी बात सही है। क्या पूछा है वो पहले देखते हैं, राइट, क्या पूछा है ये पहले देखते हैं। कह रहा है कि कोई इतिहासकार संगीतकार नहीं है, कोई इतिहासकार संगीतकार नहीं है, तो बात तो सही दिख रही है, ये क्या है, ये सही दिख रही है। फिर कह रहा है कि सभी गायक अभिनेता हैं, क्या सभी गायक अभिनेता हैं? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, दुश्मन है, हो ही नहीं सकते। कह रहा है कि कुछ अभिनेता गायक हैं, अभिनेता गायक कभी हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। फिर कह रहा है कि कोई अभिनेता इतिहासकार नहीं है, क्या है? कोई भी अभिनेता क्या नहीं है? इतिहासकार नहीं है। ये वही वाला तो दिया है, कोई इतिहासकार संगीतकार नहीं। ओहो, देखो देखो देखो, ये इतिहासकार है और ये संगीतकार है, कोई इतिहासकार संगीतकार नहीं है। भाई सभी इतिहासकार संगीतकार हैं, ये बात गलत थी, ये सही है। कोई अभिनेता इतिहासकार नहीं है, कोई अभिनेता क्या नहीं है? इतिहासकार नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि अभिनेता संगीतकार नहीं है तो अभिनेता गायक भी नहीं होगा, अभिनेता इतिहासकार भी नहीं होगा। ठीक है, मैंने पॉइंट आपको समझा दिया है। पॉइंट ये है कि ध्यान रखिएगा, पॉइंट ये है कि मैंने आपको बताया कि संगीतकार क्या नहीं है, तो भाई ये देखो संगीतकार है, और संगीतकार क्या नहीं है? अभिनेता नहीं है, इसकी दुश्मनी है। तो ध्यान रखो अभिनेता इस संगीत के अंदर जो भी होंगे वो नहीं होगा, यानी अभिनेता गायक भी नहीं होगा, अभिनेता इतिहासकार भी नहीं होगा, और यही लिखा हुआ है कि कोई अभिनेता इतिहासकार नहीं है, इसलिए ये कंक्लूजन सही है, यानी आपका चौथा वाला सत्य है। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाते हैं, पांचवे पर, और यहां पर कह रहा है कि सभी महिलाएं फूल हैं, क्या है? सभी महिलाएं फूल हैं। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, वेन डायग्राम बनाना है हमको, क्या करना है? वेन डायग्राम बनाना है। तो हमने ये वेन डायग्राम बना लिया, सभी महिलाएं, ठीक है, सभी महिला क्या है? फूल है। तो हमने बना लिया सभी महिला क्या है? फूल है, सभी महिला फूल है।
या सभी महिलाएं फूल हैं। फिर कह रहा कि सभी फूल तोते हैं, तो सभी फूल क्या हैं? तोते हैं, सभी फूल तोते हैं, ठीक है, सभी फूल क्या हैं? तोते हैं। तो ये हमने वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। फिर कह रहा है कि सभी महिलाएं तोते हैं, क्या कह रहा है कि भाई सभी महिलाएं तोते हैं। अब ध्यान रखो महिला किसके अंदर है, फूल के अंदर, फूल किसके अंदर, तोता के अंदर। ये क्वेश्चन तो वैसे ही है जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ध्यान रखिए, अगर मैं कहूं कि डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन है, मान लो हमने कहा कि हमारा देश है, देश के अंदर कोई एक राज्य है, फिर राज्य के अंदर क्या है, आप ध्यान रखो डिस्ट्रिक्ट है, तो ऑटोमेटिक ध्यान रखो देश के अंदर क्या होगा, देश के अंदर डिस्ट्रिक्ट होगा। तो जब महिला फूल के अंदर है और फूल तोता के अंदर है, तो इसका मतलब महिला किसके अंदर है, तोता के अंदर। सभी महिलाएं तोता हैं, राइट, सभी महिलाएं क्या है, तोता है, ये बात क्या है, सत्य है। स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सत्य होता है, ये आपको मान के रखना। अब ये मत सोचना कि भाई महिला तो तोता हो ही नहीं सकती, समझ लो, ठीक है। आगे कह रहा है कि सभी तोते महिलाएं हैं, सभी तोते महिलाएं हैं, नहीं। क्या आपको सभी तोता महिला के अंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है इसका मतलब है कि ये क्या होगा, ये गलत है, ये क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर केवल पहला निष्कर्ष बनेगा, निष्कर्ष कौन सा है, केवल पहला निष्कर्ष है, तो पहला निष्कर्ष कहां है भाई, तो ये पहला निष्कर्ष आपका अनुसरण कर रहा है, राइट। ध्यान रखिए आप फटाफट क्वेश्चन के आंसर करते रहिए और सेशन को शेयर भी करते रहिए, सेशन को शेयर भी करते रहिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, क्या कह रहा है, कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है। अब कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है तो हमने बना लिया कोई भी टैबलेट, कोई भी टैबलेट क्या नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, क्या है, कंप्यूटर नहीं है, कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर नहीं है। फिर कह रहा है कि सभी कंप्यूटर मोबाइल हैं, ये नहीं वाला हमने बना लिया, और ये कह रहा है कि सभी कंप्यूटर मोबाइल हैं, तो हमने सभी कंप्यूटर को क्या बना लिया, मोबाइल बना लिया, मोबाइल, ठीक है, क्या है, मोबाइल है, राइट। अब यहां पर ध्यान रखिए विकल्पों में दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, तो भाई देखो तार्किक रूप से अनुसरण, पहले इसको जरा कंक्लूड करना आप सीख लो, कंक्लूड करना कैसे सीखोगे आप समझो, देखो कोई भी टैबलेट क्या नहीं है, कोई भी टैबलेट कंप्यूटर नहीं, मतलब टैबलेट और कंप्यूटर की है दुश्मनी, किसकी दुश्मनी है, टैबलेट और कंप्यूटर की। अब ध्यान रखो ये लाइन जो है टैबलेट से चल के कंप्यूटर तक जाती है, तो क्या मोबाइल भी टैबलेट का दुश्मन होगा, पूरी तरीके से तो नहीं होगा, हाँ कुछ होगा, ये जो कंप्यूटर है ना, ये जो कंप्यूटर है वो किसके अंदर है, मोबाइल के अंदर है, कंप्यूटर जो मोबाइल के अंदर है उतना तो टैबलेट नहीं है, उतना टैबलेट नहीं है। जैसे ये जो है ध्यान रखिएगा इतना कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर मोबाइल का कुछ पार्ट है, तो कुछ मोबाइल टैबलेट नहीं है, ये बात सत्य है, ठीक है। अच्छा जी चलो पहले देख लेते हैं यहां पर क्या क्या कंक्लूजन में पूछा है, तो कंक्लूजन में जो पूछा है वो क्या पूछा है, कह रहा है कि कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है, कोई टैबलेट क्या नहीं है, मोबाइल नहीं। देखो क्या आपका टैबलेट से सीधा कोई ऐसे लाइन आकर के यहां टिका हुआ है, नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कि कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है, ये बात सत्य नहीं है, ये बात अनुसरण नहीं करता है। अब कह रहा है कि कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है, कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है, अब कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है, कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है, बात एक ही है यहां पर, निगेटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत है। फिर कह रहा है कि कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं, क्या आपको कुछ मोबाइल कंप्यूटर दिख रहे हैं, तो भाई ध्यान रखिएगा कि सभी कंप्यूटर अगर मोबाइल हैं तो मोबाइल का कुछ पार्ट कंप्यूटर में आएगा ही आएगा, ऐसे समझो आप, ये मान लो ए है, ए का पूरा पार्ट किसके अंदर है, तो बी के अंदर है,
अगर ए का पूरा भाग बी में होगा तो बी के कुछ भाग को ए ने कवर किया है, मतलब कुछ भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कुछ भी क्या होगा, ए होगा। तो ध्यान रखना ये ऑल का बना हुआ है, ये किसका बना है, ऑल का बना है। अब मान लो यहां पर दिया है ऑल ए आर बी, क्या बना है, ए आर, ऑल ए आर बी। तो यहां से जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो ध्यान रखिएगा, कंक्लूजन जो निकल के आएगा वो ए का कुछ पार्ट बी में है, बी का कुछ पार्ट ए में है। तो यहां से सम वाला कंक्लूजन निकल के आता है, ये कंक्लूजन कौन सा, सम वाला निकल के आता है। तो यहां पर ध्यान रखो दोनों तरफ से, चाहे अंदर से बाहर जाओ चाहे बाहर से अंदर जाओ, कंक्लूजन ये निकल के आएगा। तो बाहर से अंदर आ रहा है, कह रहा है कुछ मोबाइल कंप्यूटर है, ये बात क्या है, सत्य है कि कुछ मोबाइल कंप्यूटर है। फिर कह रहा है कि सभी मोबाइल कंप्यूटर हैं, भाई सभी मोबाइल कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल का पूरा पार्ट कंप्यूटर के अंदर नहीं है, मोबाइल का कुछ पार्ट कंप्यूटर ने कवर किया हुआ है, इसलिए ये चौथा वाला कंक्लूजन क्या होगा, ये अनुसरण नहीं करेगा। सो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा विकल्प चार आपका आंसर है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम कुछ चीजें सीखते रहेंगे, धीरे धीरे कुछ चीजें सीखते रहेंगे, आप समझिए। कह रहा है सभी जेब्रा घोड़े हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है यहां पर कि सभी जेब्रा, सभी जेब्रा क्या है भाई, सभी जेब्रा घोड़े हैं, सभी जेब्रा घोड़े हैं। अब कह रहा है कि सभी जेब्रा घोड़े हैं, फिर कह रहा है कि सभी घोड़े गधे हैं। अब सभी घोड़े क्या हो जाएंगे, सभी घोड़े गधे हैं, क्या हैं, गधे, सभी घोड़े गधे हैं। तो हमने बना लिया, जैसा उसने बोला वैसा बना लिया, जैसा बोले वैसा ही बनाओ आप, जैसा वो बोले वैसा बनाते रहो। कह रहा कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है, कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। पहला कह रहा कि सभी जेब्रा गधे हैं। अब देखो जब इस तरीके का पिक्चर बना हो, यानी ऑल 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 की पिक्चर बनी हो इस तरीके से, इसमें आप अंदर से बाहर जब जाओगे, कैसे, ध्यान रखना, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर जाओगे तो जो निष्कर्ष है, ध्यान रखना, तो जो निष्कर्ष है वो कौन से निष्कर्ष सही होंगे, पहला ऑल के जितने निष्कर्ष होंगे वो सब सही होंगे, दूसरा सम के जितने निष्कर्ष होंगे वो सब सही होंगे, निगेटिव नहीं पॉजिटिव, ठीक है, सम के जितने निष्कर्ष होंगे वो सब सही होंगे अंदर से बाहर। अच्छा भाई अगर हम बाहर से अंदर आए तो कौन से निष्कर्ष सही होंगे, तो केवल केवल सम वाले निष्कर्ष सही होंगे, कौन वाले, सम वाले निष्कर्ष सही होंगे, ठीक है। तो ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल आप रख लो। अब इसमें क्या पूछा है, सभी जेबरे गधे हैं, सभी जेबरा क्या है, गधे, तो क्या जेबरा से गधा देखो अंदर से बाहर जा रहा है, सभी जेबरा गधा है भाई, हमने बोला था सभी जेबरा घोड़ा है सभी घोड़े गधे हैं, मतलब जेबरा गधा का ही पार्ट है, तो ये कंक्लूजन क्या है, सभी जेबरे गधे हैं, ये सही है। फिर कह रहा कि सभी गधे जेबरे हैं, अब बाहर से अंदर आओगे तो केवल सम वाला सही होगा, ध्यान रखना भाई, सभी गधा जेबरा है ये बात गलत है। दूसरा कह रहा है कुछ गधे जेबरे हैं, कुछ गधा क्या है, जेबरा है, हाँ देखो बाहर से अंदर है ना, गधा बाहर है जेबरा अंदर है, तो कुछ गधा जेबरा है ये सत्य है, ये क्या है, सत्य है। फिर कह रहा है कुछ घोड़े जेबरा हैं, कुछ घोड़े क्या है, जेबरा है, तो देखो ये घोड़ा बाहर है जेबरा अंदर है, तो यहां कुछ वाली बात क्या होगी, सही होगी, ये भी सही है। तो यहां पर ए सी और डी अनुसरण करता है, ए सी और डी जो कहां पर मिल रहा है, तीसरे वाले निष्कर्ष, तीसरे वाले विकल्प में मिल रहा है, ए सी और डी अनुसरण करता है, राइट। बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में, ठीक है। और अगर आपको डिटेल में क्लास चाहिए तो फटाफट कमेंट कर देना, राइट, कि हाँ आपको डिटेल में पढ़ना है, मैं अलग से इसके लिए सेशन लेके आऊँगा, ध्यान रखिएगा, फिर आपको अलग से पढ़ा दूंगा टॉपिक, ठीक है। देखो आप यहाँ पर कह रहा है कि कुछ पेपर पुस्तकें हैं, बिल्कुल ये हमने पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, इसको ध्यान रखिएगा, पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, तो
इसलिए क्वेश्चन आपको बहुत हाई लेवल नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि कुछ पेपर पुस्तकें हैं। क्या कह रहा है? कुछ पेपर पुस्तकें हैं। देखो यहां पर बना लेते हैं, कुछ पेपर क्या है? ये पेपर हो गया, ये हो गया पुस्तक। क्या हो गया? पुस्तक। कुछ पेपर क्या है? पुस्तकें हैं। सभी पुस्तकें नोट्स हैं, तो सभी पुस्तक क्या है भाई? नोट्स है, राइट? क्या है? नोट्स है। सभी पुस्तकें क्या है? नोट्स हैं। तो हमने ये बना लिया, राइट। अब एक बात और आपको ध्यान रखनी है, मैं क्लियर करा देता हूं। अगर स्टेटमेंट के अंदर दिया है सम ए आर बी, यानी ऐसा सम वाला वेन डायग्राम बनाया गया है, तो इसमें कंक्लूजन क्या बन सकता है? यानी इसका कंक्लूजन क्या बन सकता है? ध्यान रखो, दोनों तरफ से केवल सम वाला ही कंक्लूजन यहां पर सत्य होगा। कौन से? सम वाले कंक्लूजन ही सत्य होते हैं, ऑल वाले में तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि कोई पेपर एक नोट नहीं है, कोई पेपर एक नोट नहीं है। अब भाई देखो, ये पॉजिटिव है। एक बात और आप दिमाग में रखो, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब क्या? पॉजिटिव मतलब है कि ऑल और सम, ठीक है, ये पॉजिटिव है। तो कंक्लूजन अगर आपसे नेगेटिव पूछे जाए, कैसे पूछे जाए? नेगेटिव कंक्लूजन, तो वो हमेशा गलत होंगे। नेगेटिव मतलब क्या? नेगेटिव मतलब है नो और सम नॉट, नो और सम नॉट, ये हमेशा गलत होता है। और सेम वे अगर आप समझो, अगर स्टेटमेंट आपका, ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन की बात कर रहा था, अगर स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन क्या होगा? वो हमेशा गलत होगा। ठीक है, वो हमेशा क्या होगा? गलत होगा। तो इसमें सब पॉजिटिव ही है, देख लो आप, यहां पर भी क्या दिया है? कुछ, सभी, कहीं नो नॉट मतलब नहीं, और ऐसा कोई नहीं, ऐसा कहीं दिया नहीं है। तो वैसे आंख मूंद करके आप कहोगे ये गलत है, नहीं वाला पूछ लिया। ठीक है, तो यहां पर कह रहा था कि कोई पेपर एक नोट नहीं है, कोई पेपर एक नोट नहीं है। फिर कह रहा है कि कुछ नोट पेपर हैं। क्या कह रहा है? कुछ नोट पेपर है। क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि कुछ नोट पेपर हैं? बिल्कुल दिख रहा है। और अगर दिख रहा है, देखो पेपर और नोट का सम वाला रिलेशन है, तो सम तो सही होता ही है इसमें, राइट। तो ये यहां पर दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल सही है। तो दूसरा सही है, तो केवल दूसरा अनुसरण करता है आपका आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प दो यहां पर सही है, राइट। क्या आप सही है? यहां पर विकल्प दो सही है। तो अगले सवाल पर आ जाते हैं। यहां पर कह रहा है कि सभी छात्र शिक्षक हैं। क्या कह रहा है? सभी छात्र शिक्षक हैं, तो हमें बना लेना चाहिए, ये हमने छात्र बना लिया, और सभी छात्र क्या हो गए? शिक्षक हो गए। क्या हो गए? शिक्षक। ठीक है भाई, सभी छात्र शिक्षक हैं। फिर कह रहा है कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं, तो कुछ शिक्षक, ध्यान रखना शिक्षक का ही पार्ट आपको बनाना है प्रधानाचार्य, छात्र वाला नहीं बनाना है। अगर उसने कहा है कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं, तो हमें यही बनाना है प्रधानाचार्य। क्या बनाना है? प्रधानाचार्य। तो हमने बना लिया प्रधानाचार्य, कुछ ही शिक्षक यहां पर प्रधानाचार्य बने हुए हैं, तो कुछ शिक्षक क्या बन गए? प्रधानाचार्य। और यहां पर ध्यान रखना सभी छात्र क्या है, तो सभी छात्र कौन है? शिक्षक है। देखो छात्र और प्रधानाचार्य के बारे में कुछ नहीं बताया स्टेटमेंट में, तो हमें कुछ मालूम नहीं है। जब वो नहीं बताएगा तो हमको नहीं पता है, जब वो बताएगा तो हमको पता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हिडन होंगी, उनको हम कंक्लूड कर लेंगे, बट यहां छात्र और प्रधानाचार्य के बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है भाई, कह रहा कि पहला कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं, कुछ छात्र, देखो छात्र यहां है, प्रधानाचार्य यहां, हमको कुछ नहीं पता इनके बारे में। नहीं पता तो भाई कह दो नहीं पता, यानी अनुसरण नहीं करता। फिर कह रहा कि सभी प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, सभी प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, नहीं कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, और कुछ शिक्षक क्या है? प्रधानाचार्य हैं, तो ये पॉइंट भी अनुसरण नहीं करेगा। फिर कह रहा कि कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, तो ये बात सही है। आप देख रहे हो कि कुछ प्रधानाचार्य क्या हैं? शिक्षक हैं, राइट, ये अनुसरण करता है। अभी पिछले वाले मैंने बताया था शिक्षक और प्रधानाचार्य का रिलेशन सम का है, सम में सम ही सही होता है।
फिर कह रहा है कि सभी छात्र प्रधानाचार्य हैं, भाई सभी छात्र प्रधानाचार्य हैं नहीं, छात्र और प्रधानाचार्य के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया है, इसलिए ये भी अनुसरण नहीं करता। तो केवल विकल्प तीन यहां पर अनुसरण करता है, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, यहां पर ये अनुसरण करेगा, ये इम्प्लीसिट है, राइट, ये फॉलो करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी घोड़े गधे हैं, क्या बोल रहा है ये, सभी घोड़े गधे हैं, तो हमें बनाना चाहिए कि सभी घोड़े क्या हैं, सभी घोड़े गधे हैं, तो हमने बना लिया सभी घोड़े क्या हो गए, गधे हैं, सभी घोड़े गधे हैं हमने बना लिया। फिर कह रहा है कि सभी गधे बंदर हैं, तो भाई देखो सभी गधों को हमें क्या बनाया, बंदर, क्या बना लिया, बंदर, सभी गधे क्या हो गए, बंदर, कोई बंदर बाघ नहीं है, कोई बंदर बाघ नहीं है, तो ध्यान रखना यहां पर हमने क्या बना लिया, यहां पर हमने अलग बना लिया बाघ को किससे, बंदर से, तो बाघ बंदर बिल्कुल कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल निगेटिव हैं, ध्यान रखिएगा बाघ और बंदर कैसे हैं, बिल्कुल निगेटिव हैं। अब एक बात फिर से आपको ध्यान में रखना है, ध्यान रखो अगर स्टेटमेंट में दिया हुआ है नो ए आर बी, नो ए आर बी बोले तो ए और बी बिल्कुल अलग अलग, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिएगा, अगर ऐसा दिया है तो इनके बीच में जितने भी निगेटिव कंक्लूजन होंगे, केवल केवल जितने भी, ध्यान रखिएगा जितने भी कंक्लूजन बनेंगे वो सारे के सारे निगेटिव वाले ही सही होंगे, कौन सही होगा, निगेटिव कंक्लूजन सत्य होते हैं, ठीक है, निगेटिव कंक्लूजन बोले तो क्या, चाहे वो नो हो चाहे वो सम नॉट हो, वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ये दोनों सही होंगे, और पॉजिटिव तो हमेशा गलत होगा, ठीक है, पॉजिटिव कंक्लूजन क्या होगा, गलत ही होगा इसमें, तो ध्यान देना। अब यहां पर निगेटिव है, अगर बंदर जो है वो बाघ नहीं है, इसका मतलब गधा भी बाघ नहीं है और घोड़ा भी बाघ नहीं है, क्यों, क्योंकि बंदर के अंदर गधा भी है और गधे के अंदर घोड़ा भी है, ये सब किसके अंदर है, बंदर के अंदर, तो अगर बंदर गधा इसका मतलब ये सब गधा, समझ रहे हो आप, अगर बंदर गधा इसका मतलब सब गधा, ये ठीक उसी तरीके से है, जैसे मान लो एक परिवार गधा है तो उस परिवार के जितने सदस्य होंगे सब गधे होंगे, ठीक है, किसी पर अप्लाई मत करना, देखो आप, तो भाई हमने ये समझा, आप कंक्लूजन पर आते हैं, कह रहा कि सभी घोड़े बंदर हैं, सभी घोड़े क्या हैं, बंदर हैं, तो भाई देखो अगर गधा बंदर है घोड़ा गधा है तो सभी घोड़े गधे हैं, तो इसका मतलब है कि सभी घोड़े बंदर भी हैं, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर ऑल और सम दोनों सही होते हैं, ऐसा मैंने बताया था, तो यहाँ तो ऑल वाला ही पूछ रहा है कि सभी घोड़े बंदर है, तो सभी घोड़ा बंदर के अंदर है, ठीक है, ऐसे समझो। अब दूसरा कह रहा है कि कुछ गधे बाघ हैं, क्या कह रहा है, कुछ गधे बाघ हैं, तो ध्यान रखिए भाई गधा जो है ना वो गधा, वो कुछ गधे बाघ हैं, ध्यान रखना है, कुछ क्या है, पॉजिटिव है, कुछ पॉजिटिव है, तो ये तो निगेटिव होगा ना, गधा और बाघ, तो यहां पर पॉजिटिव वाला बिल्कुल गलत होगा, ये गलत है। फिर कह रहा है कि कुछ बंदर घोड़े हैं, कुछ बंदर क्या है, घोड़े हैं, तो ध्यान रखिएगा बंदर बाहर है घोड़ा अंदर है, तो बाहर से अंदर जाओगे तो कुछ वाला तो यहां पर सही होता है, क्या सही होता है, यहां पर कुछ वाला यहां पर सही होता है, तो ध्यान रखिए यहां पर सही होगा, क्या होगा, यहां पर ये सही होगा, कुछ बंदर घोड़े हैं, राइट। फिर कह रहा है कि कुछ बंदर गधे हैं, क्या कह रहा है, कुछ बंदर गधे हैं, देखो बंदर बाहर और गधा अंदर, तो बंदर का कुछ भाग तो गधा ने लिया है, राइट, बंदर का कुछ भाग जैसे घोड़े ने लिया था, ठीक है, वैसे बंदर का कुछ भाग किसने लिया है, गधे ने लिया है, तो कुछ बंदर गधा है ये भी सही है, कुछ बंदर गधा है ये भी सही है। अब यहां पर निष्कर्ष एक तीन और चार अनुसरण करता है, एक तीन चार किसमें हैं, तो हमें यहां पर मिल रहा है एक तीन चार, यानी निष्कर्ष चार अनुसरण करता है, निष्कर्ष चार अनुसरण करता है,
विकल्प चार अनुसरण करता है, निष्कर्ष एक तीन चार अनुसरण करता है। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। कह रहा है कि कुछ चूहे सफेद हैं, कुछ चूहे क्या हैं, सफेद हैं। तो हम बना लेते हैं, यहां पर हमने बना लिया चूहा, ठीक है, और कुछ चूहा हो गया सफेद, कुछ चूहे क्या हो गए, सफेद। ठीक है भाई, फिर कह रहा कि कुछ सफेद सुअर हैं, कुछ सफेद को हमको क्या बनाना है, सुअर बनाना है, क्या बनाना है, सुअर बनाना है। तो हमने बना लिया यहां पर। अब ध्यान रखिएगा, जब आप सफेद को सुअर बनाएंगे तो चूहा उसके अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसने बोला है कुछ सफेद क्या है, सुअर है, तो कुछ सफेद को ही सुअर बनाना है। अब दूसरे में, तीसरे में कह रहा है कि सभी सुअर नीले हैं। अब सभी सुअर को हमने क्या बना लिया, नीला, क्या बनाया भाई, नीला बना लिया, सभी सुअर क्या हो गया, नीला। फिर कह रहा कि कोई सुअर गधा नहीं है, तो देखो यहां सुअर से हम नेगेटिव लेके जाएंगे, ये थोड़ा अलग कलर बना लेता हूं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। कोई भी सुअर क्या नहीं है, तो ध्यान रखना नीला नहीं है, कोई सुअर गधा नहीं है, कोई सुअर क्या नहीं है, गधा नहीं है, कोई सुअर गधा नहीं। तो सुअर का गधे से बिल्कुल अलग रिलेशन है, ध्यान रखिएगा, सुअर गधा नहीं है। सभी गधे लंबे हैं, सभी गधे क्या हैं, लंबे है। तो यहां पर सभी गधे क्या हो गए, लंबे हो गए, सभी गधे लंबे हैं भाई। चलो ठीक है, वो भी बना लिया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये जरा हम लोग समझते हैं। तो पहला जो निष्कर्ष है वो कह रहा है कि कुछ लंबे सुअर नहीं है, क्या कह रहा है, कुछ लंबे सुअर नहीं है। अब समझो भाई, देखो ये जो गधा है ना, इसकी दुश्मनी किससे है, इसकी दुश्मनी इस सुअर से है। ठीक है, किससे है, सुअर से। अब सुअर के अंदर कौन कौन आ रहा है, कुछ सफेद आ जाते हैं सुअर के अंदर और कुछ नीला आ जाता है सुअर के अंदर। ठीक है, तो जो भी आएगा सुअर के अंदर उसकी दुश्मनी किससे हो जाएगी, गधे से हो जाएगी, और जो गधे के अंदर आएगा वो उसकी दुश्मनी किससे हो जाएगी, सुअर से हो जाएगी। अब ध्यान रखो, ये जो गधा है, ये गधा है, ये गधा है, ठीक है, ये जो गधा है वो सुअर नहीं है, तो गधा इस लंबे का कुछ पार्ट है, लंबे का कुछ पार्ट है, यानी कुछ लंबा जो गधा है वो सुअर नहीं है, यानी कुछ लंबा सुअर नहीं है। ये क्या होगा, ये निष्कर्ष सत्य है, ये निष्कर्ष क्या होगा अनुसरण करेगा, ये निष्कर्ष फॉलो करेगा, राइट। ठीक है भाई, दूसरा कह रहा है कि कुछ चूहे सुअर हैं। देखो चूहा यहां है, सुअर यहां है, तो चूहा और सुअर के बारे में हमें कुछ ना तो दिया गया, ना ही हम उसमें कुछ कंक्लूड कर पाएंगे, इसलिए ये असत्य है, ये क्या हो गया, असत्य है, असत्य बोले तो फॉलो नहीं करेगा, यानी ये अनुसरण नहीं करेगा। अब यहां पर क्वेश्चन एक संभावना का पूछा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, संभावना के बारे में मुझे बताना पड़ेगा आपको। यहां पर कह रहा है कि सभी नीले गधे होने की संभावना है, सभी नीले के गधा होने की संभावना है। अच्छा भाई देखो, एक पॉइंट यहां पर आप समझ लो तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। संभावना पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, किसकी, पॉसिबिलिटी, ठीक है, यानी संभावना, संभावना, ठीक है। अब आप ध्यान रखना, आप संभावना किसमें लगाते हो, जिसमें आप श्योर नहीं होते हो, जिसमें आप ठीक ठीक जानकारी नहीं होगी, आप उसमें संभावना लगाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अब की बार मोहन टॉप कर जाएगा क्या, अब आप मोहन के बारे में नहीं जानते हो कि मोहन कैसा है, तो आप कहोगे हो सकता है कर जाए, या आप कहोगे, अगर मैं कहूं मोहन अब की बार टॉप नहीं करेगा, तो आप कहोगे हो सकता है ना करे, ठीक है। अब यहां पर आपको ठीक ठीक पता नहीं है, तो आप उसमें पॉसिबिलिटी लगाते हो, यानी इसमें हो सकता है, यानी क्या होगा, इसमें ध्यान रखना कैन भी यूज किया जाता है या पॉसिबल वर्ड यूज किया जाता है, राइट। कैन भी मतलब सकता है, सकता है जैसा शब्द इसमें प्रयोग किया जाता है, या संभावना जैसा शब्द प्रयोग किया जाता है, संभावना जैसा शब्द इसमें प्रयोग किया जाता है, मे भी कभी कभी, मे भी प्रयोग किया जाता है, कौन सा, मे भी, ठीक है।
इस तरीके से शब्द प्रयोग किए जाते हैं पॉसिबिलिटी में। अब कैसे होगा आप समझो, जैसे मान लो स्टेटमेंट में दिया गया, क्या दिया गया, कह रहा है कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी मतलब सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। अब आप इसका वेन डायग्राम तो आपने सीख लिया है कि वेन डायग्राम कैसे बनाना है, ये वेन डायग्राम आपने सीख लिया है, ठीक है, सभी ए क्या है, बी है, ये वेन डायग्राम आपने सीखा। लेकिन क्या इसके अलावा कोई और वेन डायग्राम बन सकता है, मैं क्या यूज कर रहा हूं, बन सकता है जिसमें सभी ए बी हों और सभी बी ए हों, ऐसा हो सकता है क्या? इसने बोला सभी ए बी हैं, तो अगर हमने वेन डायग्राम को ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया कि ये ए हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ए हो गया और ये क्या है, ए है, और ए को अगर हमने बी से क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया, यानी सभी ए क्या हो गए, बी हो गए, तो इसमें ये कंडीशन क्या है, फुलफिल हो रही है। मतलब वेन डायग्राम ऐसा बनाना है जिसमें ये कंडीशन फुलफिल करे। ये दो ही इसके पॉसिबल वेन डायग्राम है, दो कैसे हैं, पॉसिबल वेन डायग्राम है। अब ध्यान रखिए यहां पर क्या पता है हमको, यहां पर पता है कि सभी ए बी हैं, लेकिन यहां पर क्या निकल के आता है, यहां निकल के आता है कि सभी बी ए है, ये क्लियर होता है। यहां ये भी पता होता है कि सभी ए बी हैं, क्या है, सभी ए बी हैं, तो सभी ए बी के लिए तो हम बना ही रहे थे। अब ध्यान रखिए, तो इसका मतलब है अगर ये वेन डायग्राम पॉसिबल है तो सभी बी ए हैं ये भी पॉसिबल है, तो ये क्या है, ये पॉसिबल है, ये क्या है, ये पॉसिबल है। सब कुछ मिला जुला करके ये करना है, ध्यान रखिएगा कि हमें ऐसा वेन डायग्राम बनाना है जिसमें कंक्लूजन जो दिया है वो संभावना में आ जाए, वो पॉसिबल हो जाए, और स्टेटमेंट हमारा कभी गलत ना हो, स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। हमें ऐसी पिक्चर ड्रॉ करनी है, हमको ऐसा वेन आरेख बनाना है। तो ध्यान रखना, ये हमने जो वेन आरेख बनाया, इस वेन आरेख में सभी ए बी है ये भी आ गया और सभी बी ए हैं वो भी आ गया, मतलब सभी बी ए हैं ये पॉसिबल है, ये क्या है, ये पॉसिबल है। अब यही अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता, इसमें इसमें क्वेश्चन क्या पूछे कि सभी ये, ऐसा अगर स्टेटमेंट दिया हो और कंक्लूजन पूछे कि सभी बी के ए होने की संभावना है, क्या पूछे, संभावना है, ऑल बी आर ए में बी पॉसिबल या ऑल बी कैन बी ए, अगर ऐसा कहता है इसका मतलब ये सत्य है, क्योंकि अगर हम ऐसा वेन डायग्राम ड्रॉ कर दें तो सभी बी के ए होने की संभावना है, और सभी ए बी तो हैं ही, सभी ए बी तो हैं ही। अब आप कहोगे कि ऐसा अगर बना दिया जाए, तो अगर मैं स्टेटमेंट में कहूं कि सम ए आर बी, क्या कहूं, सम ए आर बी यानी कुछ ए बी हैं, क्या है, कुछ ए बी हैं। अब ध्यान रखिएगा वेन डायग्राम तो आप ऐसे बनाओगे कुछ ए बी हैं, लेकिन क्या, अब देखो यहां पर, यहां पर क्या क्या संभावना है, यानी क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल है, तो इसमें ऑल पॉसिबल होता है, ध्यान रखना क्या पॉसिबल होता है, ऑल पॉसिबल होता है, और इसमें क्या पॉसिबल होता है, इसमें सम नॉट पॉसिबल होता है, इसमें ये दो पॉसिबल होते हैं। कैसे पॉसिबल होते हैं ध्यान रखिएगा, यहां पर तो हमने केवल इतना बनाया है कि कुछ ए बी हैं, हमें ये नहीं पता है कि ये वाला पार्ट क्या है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है कि कुछ ए बी नहीं होंगे। और इसका अगर आप वेन डायग्राम आपने ऐसे बना लिया, ध्यान रखिए सभी ए बी हैं, तो क्या सभी ए बी में ये वाला वेंडा, ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही है, बिल्कुल सभी ए बी हैं, तो कुछ ए भी बी के ही अंदर होगा, तो इसलिए ऑल पॉसिबल है, इसलिए क्या है, ऑल पॉसिबल है। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या पॉसिबल होता है, इसमें आपका ऑल और सम दोनों पॉसिबल होता है, दोनों तरफ से, ए की तरफ से और बी की तरफ से,
लेकिन जब ऑल वाला बनाते हो, ध्यान रखना, जब ऑल वाला बनाते हो तो उसमें केवल केवल क्या पॉसिबल होगा, इसमें बी की तरफ से, ध्यान रखिएगा, अगर मैं ऐसे कहूं, यहां पर मैंने बनाया तो है ऑल बी आर ए, ये पॉसिबल होगा, ठीक है, और एक इसमें और पॉसिबल होगा सम बी इज नॉट ए, ये भी पॉसिबल होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, और नो वाले में कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, सम वाले में पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। अब जरा हम उस क्वेश्चन पर आ जाएं, क्वेश्चन पर आ जाएं, फिर करते हैं, ठीक है, फिर आप करोगे। देखो बहुत डिटेल में हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको हो सकता है कि एक वीडियो को, इस वीडियो को आपको दो तीन बार देखनी पड़े, ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखो यहां पर क्या है, या हम दूसरी बार आएंगे तो पूरा डिटेल में लेके आ जाएंगे, सबको अलग अलग बता देंगे। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, सभी नीले के गधे होने की, के यहां पर होना चाहिए, सभी नीले के गधे होने की संभावना है। अब बताओ सभी नीले के, नीला कहां है भाई, नीला यहां है, ठीक है, सभी नीले के गधे होने की संभावना है। अब देखो यहां पर ध्यान रखना, नीले के अंदर कौन आता है, सुअर आता है, और सुअर कभी भी क्या नहीं होगा, गधा नहीं होगा। तो नीला भी अकेले नहीं जाएगा, वो ये मान लो कि सुअर जो है वो नीले की फैमिली है, और नीला जब भी जहां जाता है वो अपनी फैमिली को लेकर के जाता है। अब कह रहा है कि क्या सभी नीला गधे के यहां जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि सुअर नहीं जा सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष कौन सा सही है, पहला सही है, पहला निष्कर्ष सही है, केवल पहला वाला पालन करेगा। अच्छा अब इसमें से अगर मैं और क्वेश्चन पूछ लूं तो ध्यान रखना कैसे क्वेश्चन को करना है। अगर मैं मान लो और आपसे पूछ लेता, मैं कहूं कि कुछ नीले के गधे होने की संभावना है, क्या गधे होने की संभावना है, नीले के गधे, ठीक है, गधे होने की संभावना है, संभावना है, राइट, कुछ नीले के गधे होने की संभावना। तो अब ध्यान रखना, अब यहां सुअर को ले जाने की जरूरत नहीं है, नीला का जो ये वाला पार्ट है ना, ये गधे के अंदर जा सकता है, कैसे जा सकता है, तो आप ऐसे करके ले जा सकते हो, इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाता है, ये सही हो जाता। तो इस तरीके से हम संभावना वाले क्वेश्चन को करते हैं, राइट। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कह रहा है कि सभी पत्तियां छाल हैं, तो सभी पत्तियां क्या हो गई, सभी पत्तियां छाल हैं, तो सभी पत्तियां हमने क्या बना लिया, हमने बना लिया छाल, ठीक है। कह रहा है कि सभी छाल बीज हैं, तो सभी छाल क्या है, बीज है, ठीक है, तो हमने बना लिया बीज। फिर कह रहा है कि कुछ छाल पत्तियां हैं, तो कुछ छाल क्या है, पत्तियां हैं, तो सही है भाई, कुछ छाल पत्तियां, कुछ बीज पत्तियां हैं, तो कुछ बीज क्या है, पत्तियां हैं, तो ये भी सही है, तो कुछ तो इसमें सही होगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, दोनों निष्कर्ष पालन करता है, तो यहां पर तीसरा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, कह रहा है कि कुछ सफेद क्या है, कुछ कपड़े सफेद हैं, कुछ क्या है, कपड़े। अब ध्यान रखना जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे एग्जाम में तो पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे करेंगे, ध्यान रखना, कुछ कपड़े क्या हैं, सफेद हैं, कुछ कपड़े क्या हैं, सफेद हैं, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, एक सिंबल बना लेना आपको, कुछ सफेद झंडे हैं, कुछ सफेद क्या है, झंडे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि कोई झंडा सीधा नहीं है, कोई झंडा क्या नहीं है, तो भैया सीधा नहीं है, क्या नहीं है, सीधा, ध्यान रखना है, यस एस दो बार बनाते तो गड़बड़ हो जाता, कुछ कोई झंडा सीधा नहीं है, हमने बना लिया। कह रहा है कि कोई कपड़ा सीधा नहीं है, कोई कपड़ा सीधा नहीं, देखो कपड़ा का सीधा से कुछ लेना देना नहीं है, इसका मतलब यह गलत है। फिर कह रहा है कि कुछ सफेद सीधे हैं, कुछ सफेद, सफेद तो ये था ना, कुछ सफेद सीधे हैं, यहां पर पॉजिटिव बात कर रहा है, तो यह भी नहीं होगा। कुछ झंडे कपड़े हैं, कुछ झंडे कपड़े, तो झंडा इधर है, कपड़ा इधर है, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता, राइट। तो अब यहां पर देखो कोई निष्कर्ष यहां पर सही नहीं है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया, कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, ये देखो study91pro.com पर जाइए, 200+ टेस्ट अवेलेबल है, आप टेस्ट यहां पर दे सकते हो, राइट।
चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ। कह रहा है कि सभी कप कुर्सियां हैं, सभी कप क्या हैं, सभी कप ये देखो, ओहो देखो सभी कप क्या हैं, कुर्सियां हैं, सभी कप कुर्सियां हैं। फिर कह रहा है कि कोई कुर्सी मेज नहीं है, कोई कुर्सी क्या नहीं है, मेज नहीं है। फिर बस इतना ही बोला है, कुछ कप मेज नहीं है, कुछ कप क्या नहीं है, मेज नहीं। तो ये कप है और ये मेज है, ध्यान रखना कुर्सी के अंदर कप है। तो कोई कुर्सी अगर मेज नहीं है तो कप भी मेज नहीं होगा। अब यहां पर कह रहा है कि कुछ कप मेज नहीं है, बात ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कुछ कुर्सियां कप है, कुछ कुर्सी क्या है, कप है, तो बात ये सही है। तो दोनों निष्कर्ष सही होगा, यहां पर दोनों निष्कर्ष सही है, तीसरा विकल्प क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ तो कह रहा है कि सभी कुर्सियां मेज हैं, सभी कुर्सियां मेज हैं, तो सभी कुर्सी हमने बना लिया मेज। फिर कह रहा है कि कुछ कुर्सियां पेंसिल हैं, तो कुछ कुर्सी क्या है, पेंसिल। तो ध्यान रखना हमने आपको बताया था कि इस तरीके से वेन डायग्राम बनाओगे। सभी मेज कुर्सियां हैं, सभी मेज कुर्सियां, भाई ये तो गलत है, सभी मेज कुर्सियां। सभी पेंसिल कुर्सियां हैं, तो सभी पेंसिल कुर्सियां हैं, तो ये भी गलत है, सभी वाला तो गलत ही होगा। दोनों निष्कर्ष यहां पर गलत है, यानी क्या बनेगा, चौथा आपका आंसर बनेगा डी विकल्प यहां पर सही है। फिर कह रहा है कि कुछ सेब लाल है, कुछ सेब क्या है, लाल है। फिर कह रहा है कि सभी लाल संतरे हैं, सभी लाल क्या है, संतरा है, ठीक है, सभी लाल क्या है, संतरे हैं। फिर कह रहा है कि कोई संतरा सेब नहीं है, अब निगेटिव पूछ रहा है यहां पर, तो ये तो गलत वैसे ही होगा। कुछ सेब संतरे हैं, क्या है, कुछ सेब संतरे हैं। तो देखो कुछ सेब जो है ना वो संतरे हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, यानी दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सत्य है, यहां दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ। सभी कप प्लेट है, सभी कप क्या है, प्लेट है, सभी कप क्या है, प्लेट है। फिर कह रहा है कि कुछ प्लेट ग्लास है, कुछ प्लेट क्या है, ग्लास है, ठीक है, कुछ प्लेट क्या है, ग्लास है। अब यहां पर कह रहा है कुछ ग्लास कप है, कुछ ग्लास और कप का कोई रिलेशन है नहीं, इसलिए यह गलत। सभी ग्लास कप है, सभी ग्लास कप है, तो भाई ये भी गलत होगा। दोनों निष्कर्ष यहां पर गलत है, यानी दोनों निष्कर्ष गलत हो गया, राइट। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। सभी जूते मोजे हैं, सभी जूते क्या हैं, मोजे हैं, सभी जूते मोजे हैं, ठीक है भाई। फिर कह रहा है सभी मोजे शर्ट हैं, सभी मोजे क्या हैं, शर्ट हैं, सभी मोजे शर्ट हैं। अब कह रहा है कि कुछ मोजे जूते हैं, क्या है, कुछ मोजे जूते हैं, तो कुछ वाला तो इसमें सही होगा, कुछ शर्ट जूते हैं, कहीं भी पूछेगा कुछ वाला यहां पर भी सही हो जाएगा, राइट। तो यहां पर दोनों निष्कर्ष सही है, दोनों निष्कर्ष पालन करता है, राइट, दोनों निष्कर्ष पालन करता है। चलो भाई तो देखो अब इसी के बाद हम सेशन को करेंगे खत्म, राइट, अब हम लोग सेशन को करेंगे खत्म। अब ध्यान रखिएगा ये दो बुक्स अवेलेबल हैं, आप जाकर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में सिलोगिज्म पढ़ना है तो आप कमेंट करिए और कहिए कि सर डिटेल में हमें पढ़ना है सिलोगिज्म, फिर हम एक सेशन लेके आएंगे जिसमें हम सब पर बात करेंगे, वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे, ध्यान रखिए कि कैसे कंक्लूड करेंगे वन बाय वन, हम बात करेंगे कैसे इधर और लगता है, कैसे पॉसिबिलिटी लगती है, सब पर बात करेंगे, राइट, फिर वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो ये ध्यान रखिए ये एक तरीके का प्रैक्टिस सेशन था और हमने कुछ इसमें डिटेल बताने की कोशिश की है। तो चलिए सो सेशन को अब यहीं करते हैं ख़त्म। आपने इस सेशन को देख लिया है तो फटाफट आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।